भाई को देखो यार, क्या मस्त लगेज लगा रखा है एकदम। भाई साहब पूरा घर वाले के चल रहे हैं अपना, या तो साथ में। गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप सब? मैं तो बढ़िया हूँ भैया, एकदम बढ़िया। और आज है मेरे टूर का छठा दिन, आज है 2 जुलाई। कल मैंने स्पीति से, काजा से जो है मनाली तक का सफ़र तय किया, और इतना गजब का जो वो रूट था, वो ऑफ रोडिंग मेरा एडवेंचर जो था, पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता भाई। मेमोरेबल हो गया बिल्कुल, मेरी मेमोरी में ऐसा बैठ गया है भाई ज़िंदगी भर। ये वाला जो रूट है ना मेरा, ये वाला जो मेरा राइड था ना, वो मैं भूल नहीं सकता बिल्कुल भी। और इसमें हर तरह का एडवेंचर मुझे मिल गया, और जितनी मुसीबतें थी मुझे लगता है वो भी सारी मिल गई। और क्योंकि मैं सोलो में था, तो मेरे आसपास मेरे साथ देने वाला कोई था नहीं, जब मैं ऐसी मुसीबतों को, ऐसी ऑफ रोड्स को जो है मैं क्रॉस कर रहा था। फिलहाल मैं मुसीबत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट राइड थी इस तरह की, और उसमें जो कहते हैं ना कि सजा और मज़ा, दोनों दोनों तरह का एडवेंचर था मेरे लिए। एक तरफ लगा था कि सजा मिल गई भैया कहाँ आ गया मैं, एक तरफ लग रहा था कि यार ये एडवेंचर तो भाई ऑसम है, अलग ही लेवल का है। तो दोनों चीज़ें थी मेरे साथ हो रही थी जो। और फिर बारिश जब हुई उसके बाद लोग नहीं मना पाया, मैं मनाली तक पूरी बारिश होती रही, पूरी बारिश होती रही। तो ज़्यादा रास्ता नहीं बचा था, थोड़ा ही बच गया था, मगर जितना भी ऑफ रोड था ना, और जितने भी ये वाटर क्रॉसिंग थी, मतलब बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग, उसके बाद ही काफ़ी बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग आई थी जो भी बड़ी बहुत खतरनाक थी, मगर उसी तरह का पूरा रास्ता था आगे भी जैसा कि मैंने पीछे दिखाया। और आगे एक्चुअली मैं आगे और ज़्यादा खतरनाक हो गया था, क्योंकि बारिश की वजह से ना इतना कीचड़ हो गया था पूरे रास्ते में, गाड़ी स्लिप कर रही थी वहाँ पे। अगर आप व्लॉग देखते ना उस टाइम, बारिश रुक जाती ना, तो मैं बोला आपको गोप्रो ला के दिखाता वहाँ पे और आगे का भी। तो वहाँ का जो रास्ता था इतना ज़्यादा कीचड़, इतना कीचड़, पूरी बाइक स्लिप खा रही थी। और जब यू टर्न पे स्टीप चढ़ाई होती है या फिर उतराई होती है ना, वहाँ पर बाइक को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे कंडीशंस में मैं बाइक चला कर लाया काजा से मनाली तक, और मेरे को करीब लग गए उसमें 9 घंटे लग गए मुझे। 4 घंटे दिखा रहा था, पता नहीं गूगल 4 घंटे क्यों दिखाते हैं, कौन है जो 4 घंटे में इस रूट को कवर किया, जिसने गूगल 4 घंटे दिखाता है। वो किलोमीटर हिसाब से दिखाता होगा, इतना किलोमीटर तो इतने टाइम में हो जाता होगा, इसलिए दिखाता लगता है। तो 185 किलोमीटर अप्रोक्स रहता है, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन वाली रोड रहती है, रोड नहीं मतलब ऑफ रोड ही रहती है पूरी। और जब भी जाओ, अगर प्लान बनाओ, तो मैं कहूँगा कि एक बंदे को साथ में ले लो, सोलो मत करो यार, क्योंकि सोलो में कुछ हो गया तो फिर वहीं पड़े रहोगे जब तक कोई आगे पीछे से आएगा नहीं देखने के लिए, और पता भी चलेगा कि इधर नीचे चले गए तो कोई देखता भी नहीं इधर नीचे कौन गिरा है कौन नहीं गिरा है। चलिए आज का अपना राइड जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं जाऊँगा, अब देखते हैं कहाँ तक जाऊँगा मैं मनाली पे से। अब निकलूँगा, अभी 6 बज रहे हैं, 7 बजे तक मैं निकल जाऊँगा, और आज जहाँ तक हो सकता है जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, तो बताते जाएंगे आपको। और अब मैं मिलता हूँ सीधे आपसे बाइक पे। चलो जी, टाइम बच चुका है 7:08, और टाइम पर यूँ। चलो जी, अब करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट। मैंने लगा दिया मैप, वैसे तो मैं सीधे पटियाला तक लगाया है, अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। चलिए राइड स्टार्ट की जाए आज की। जय भोलेनाथ। और मैं ग्लव्स अभी भी गीले हो रखे हैं, जैकेट भी थोड़ी सी गीली है, पूरी रात मैंने पंखा चला कर रखा था, तो काफ़ी हद तक सूख गई है वैसे तो, अभी हवा में और सूख जाएगी। आज मौसम खिला खिला है, देखो बिल्कुल बादल नहीं है यार, ऐसा कल हो जाता तो मेरी कितनी सारी व्लॉग की वीडियो और बन जाती है, बताओ। चलो कोई बात नहीं, ये हुआ अच्छा ही हुआ, अपन सही तरीके से एकदम सही सलामत कंप्लीट की हमने अपनी राइड, और करीब करीब मैंने पूरा कवर कर ही लिया था उसको। अब ठंड लग रही है जैकेट के अंदर यार, क्योंकि गीला है ना हल्का हल्का, थोड़ी धूप मिलेगी तभी जाकर हल्का सूखेगा, तब जाकर अच्छा लगेगा। और मनाली के पहाड़ों की ब्यूटी देखो आप, इन वादियों की, मतलब जहाँ भी जाओगे ना खूबसूरती तो आपको हर जगह देखेगी पहाड़ों पर, चाहे वो प्लेन रोड हो, चाहे वो ऑफ रोड हो, चाहे वो कैसी भी जगह हो, वहाँ की तो अल्टीमेट ही थी भाई साहब, जहाँ से मैं अभी आया कल। और ये देखो नीचे व्यास नदी बहती हुई,
बड़ा अच्छा फ्लो आ रहा है, बड़ा साफ़ सुथरा पानी दिख रहा है मुझे तो यहाँ से। जब बारिश ज़्यादा होगी ना अभी तो मिट्टीला पानी हो जाएगा इसका पूरा। बाकी ग्रीनरी देखो यहाँ पे, ग्रीनरी लग रहा कितने सालों बाद देख रहा हूँ ग्रीनरी, इतनी हरियाली इतनी ज़्यादा। सीन देखो आएगा कितना मस्त सीन है, पूरा हाईवे मक्खन की तरह बना हुआ है और एकदम सीधी रोड। ये कुत्ता ना मर जाए भाई, कैसे आ रहा है बीच में। अभी क्या है ना, अभी बाइक जो है ना फ्लॉलेस परफॉर्म कर रही है, फ्लॉलेस एकदम बढ़िया पिकअप ले रही है, बढ़िया पावर दिखा रही है एकदम। और पीछे वाले ब्लॉग से हमने देखा होगा कि किस तरीके से बिल्कुल डेड पड़ गई थी, मतलब फर्स्ट गियर में बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले पा रही थी, कितनी जगह तो बंद हो गई। तो मुझे लग रहा है कि ये ऊपर हाइट की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मगर यार फर्स्ट गियर पे पिकअप लेना चाहिए था। एक्चुअली ऐसा ही था कि पिकअप ले नहीं रही थी मगर ज़्यादातर पावर छोड़ रही थी। जब चार पांच बार स्टार्ट करने पर एकदम से कई बार ना पिकअप लेती है स्पीड में, लगता है बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके। उस टाइम बाइक को चलाने पर पूरे रास्ते कोई दिक्कत नहीं देती, हाँ जब यू टर्न में स्टीप चढ़ाई आती है ना उस टाइम फिर से पावर छोड़ने लगती है। तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं करूँगा मैं बाइक से यार, इतनी हाइट पर लोग नहीं लेके जाएंगे तो बाइक बनाएं किस लिए भाई। बाइक है टूरिंग के लिए, फुल टूर करना चाहिए ना, ऐसी जगहों पे तो परफॉर्म करना चाहिए बढ़िया बाइक को। हालांकि ऐसा नहीं है बाइक ने परफॉर्म नहीं किया, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया बाइक ने, बस ये जो स्टीप चढ़ाई थी ना वहाँ पे ये बार बार जो है रेस छोड़ दे रही थी और उसकी दिक्कत थी। पहले गियर पर जब पहले गियर से निकल जाए दूसरे तीसरे गियर पर आ जाए एक बार लेकर फिर तो चलती रहती थी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो आप मनाली से, मनाली नहीं काजा से मनाली वाले जो रोड पे आया मैं, वहाँ पे जब प्रॉब्लम कर रही थी तो मैंने ना उसको दो तीन बार बंद करके फिर स्टार्ट किया, फिर जब उसने पावर लेने स्टार्ट कर दिया ना उसके बाद तो मतलब कहीं दिक्कत नहीं थी बाइक ने, कहीं भी नहीं। मतलब कितनी हिमालयन एनफील्ड जो थी सब पीछे रह गई, मेरी स्पीड उससे ज़्यादा ही थी क्योंकि बाइक ये ना धीमे नहीं चलना चाहती है, बाइक चाहती है थोड़ा सा स्पीड रहे इसकी। तो अभी तो यार बहुत ही मस्त परफॉर्म कर रही है, एकदम भाग रही है एकदम धड़ल्ले से एकदम सटासट, मतलब मज़ा आ रहा है अभी। अभी तो मैं कहता हूँ कि पावरफुल बाइक है बहुत ही और दमदार परफॉर्मर भी है, मगर ऐसी हाइट पे जाकर इस तरीके से अगर परफॉर्म करेगी ना, फर्स्ट गियर पे नहीं उठाएगी तो वो एक्सपेक्टेड नहीं है होंडा से। देखो कितनी मस्त फ्लाई हो रहा है, वह जल्दी पहुंचने वाले हैं मंडी। देखो कितना अच्छा सीन आया हुआ है सामने मेरे, और बीच बीच में ना ऐसे पैचेस आ रहे हैं, रोड प्रॉपर सही नहीं है, बहुत जगह से रोड टूट गई है और कल बारिश हुई थी ना उसकी वजह से कई जगह बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ भी हो रखा है। अभी आगे तो बहुत कीचड़ मिलेगा मुझे लग रहा है क्योंकि काम चल रहा है बहुत जगह, तो वहाँ पर पहले से मिट्टी मिट्टी थी और बारिश की वजह से बहुत कीचड़ हो गया होगा। और ये देखो ये पूरी बजरी वाली रोड है, तो ख़त्म है रोड ये। देख रहे हो जोरों शोरों पे काम चल रहा है सड़क बनाने का, ये पहाड़ काटे जा रहे हैं और यहाँ सड़क और चौड़ी की जाएगी, क्या मस्त लगती है ना जैसी मशीन काम करते हुए। लो जी एक टनल आ गई, पता नहीं और टनल है शायद कौन सी है, 3 किलोमीटर लंबी टनल है ये।
काफ़ी लंबी टनल है भाई साहब, मस्त एकदम बनाई हुई है। बस बाहर आ ही गया लग रहा है। शाबाश, क्या हो गया है, गलत तरीके घुसे रखी है भाई गाड़ी अपनी, बेवकूफ बोलेरो वाला, स्कॉर्पियो वाला। आ गए भैया बाहर, निकल गए भैया, मज़ा आ गया स्टेशन में तो, क्या बात है, मज़ा ही बांध दिया, मज़ा ही। सीन देखो इधर का कितना बढ़िया निकल के आया। भाई को देखो यार, क्या मस्त लगेज लगा रखा है एकदम, भाई साहब पूरा घर वाले के चल रहे हैं अपना, या तो साथ में देख रहे हो कितने सारे बैग हैं, एक दो नहीं तो ऊपर तो ट्रैवलिंग बैग है लंबा सा, एक पीछे भी उसके, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात मुझे नीचे दिख गए, अच्छा नीचे एक और आठ, पता नहीं आठ तो यहीं दिख गए भैया, और इक्का दुक्का छुप रहा होगा तो पता नहीं। भाई साहब मतलब बंदे में दम होना चाहिए, और बाइक कौन सी है भाई साहब, सीवी 100 स्प्लेंडर, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, कीचड़ी कीचड़ आ गया भैंस की आँख। देखो निकल गया आगे भाई, ये तो स्प्लेंडर पे ऊपर से इतनी स्पीड में मैं ही आराम से चला रहा हूँ बहुत, ये बंदा तो खतरनाक निकल गया। देखो भाई फिर आ गया, हाँ मस्त लोडिंग है इसकी बाइक पे तो यार। और देखो आगे ट्रक फंसा पड़ा है बस के साथ, उसकी वजह से जाम लग गया पूरा, कितना बुरा हाल है भाई। भाई टूर पे आ रहे हो क्या, टूर पे जा रहे हो? आ रहे हैं। टूर से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? खीर गंगा। सामान मस्त लोड है। पांच बंदों का सही है यार, सबका एक ही में लोड हो गया क्या? गजब लग रहा है ये सीन, मस्त एकदम पैकिंग कर रखी है उसकी। तब हो रही है अपनी घर वापसी, और घर वापसी करने का तो भी स्टाइल में करने का। मंडी पहुंच चुका हूं मैं, और अभी ये पूरी मार्केट है मंडी की, वही मंडी का बस स्टैंड है पीछे, तो बस मंडी क्रॉस करके अब आगे बढ़ते हैं। 3 घंटे 10 मिनट में मंडी पहुंचा हूं मैं, नॉट बैड। तो ये है बिलासपुर सिटी, लास्ट टाइम मैं मनाली आया था तो वापसी में यहीं पर मैंने स्टे किया था। अब एक विशाल मेगा मार्ट है वो रहा सामने, बिल्कुल उसको सामने स्टे किया था। अपने अड्डे बन गए हैं अब जगह जगह पर, यहाँ भी जाएंगे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे होटल पहुँच जाओ और पता है हमको वहाँ रूम मिल जाएगा। बिलासपुर मैंने क्रॉस कर लिया 12:30 बजे ही, मैं सोच रहा था बिलासपुर रुकूँगा शाम तक पहुँचूँगा, मगर बड़ा मस्त तरीके से यहाँ बिल्कुल दिन दिन में पहुँच गया, दोपहर ही में पहुँच गया, भरी दोपहर ही में। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं कि अब सीधा आ रहा हूँ पटियाला, पटियाला में रहता है मेरा भाई छोटा भाई, तो मैं सीधे वहीं जाऊंगा और स्टे वहीं करूंगा। तो अपना होटल का खर्चा भी बच जाएगा आज का, डिनर का खर्चा भी बच जाएगा आज का, क्या बात है, मतलब बचत भी हो रही है साथ में थोड़ी थोड़ी। इस पूरी ट्रिप के दौरान मुझे एक भी होंडा हाइनेस नहीं दिखी रास्ते में, एक भी होंडा हाइनेस नहीं दिखी, एक अकेला मैं ही था जो होंडा हाइनेस लेकर आया पूरे पहाड़ों पर। कितने सारे आर्मी के ट्रक जा रहे हैं एक के बाद एक लाइन से,
देखो कितनी मस्त रोड है एकदम पटियाला के लिए। बिल्कुल नए रोड से आ रहा हूँ मैं, चंडीगढ़ हाईवे से नहीं आ रहा हूँ मैं, ये अंदर का कोई बाईपास है वहाँ से जा रहा हूँ। ट्रक देखो भाई साहब क्या गजब है, नीचे उतार दिया मुझे तो उसने बिल्कुल ही। ओ तेरी तो वापस ऊपर आना पड़ेगा भाई, वो तो सर हट ही नहीं रहा बीच से बिल्कुल ही, बिल्कुल बीच में चले जा रहा खतरनाक है भाई। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लग रहा है, मैं पटियाला जा रहा हूँ, अगर वापस पहाड़ों पे कहीं जा रहा हूँ, पहाड़ों का कोई एरिया हो। एकदम मस्त मक्खन वाली एकदम लंबी सीधी रोड, मज़ा आ गया इस रोड पे आके तो। कितना बढ़िया गेट आया सामने देख रहे हो, बाबा मोती राम है मेहरा कोऑपरेटिव गेट। अच्छा तो यहाँ से एंटर कर रहे हैं पटियाला में, बहुत शानदार रोड थी यार ये, और आगे भी है। चलो जी अस्सी तो पहुँच गए पटियाला, और बस भाई का घर आ भी गया, एक किलोमीटर रह गया बस। तो ये था मेरा स्पीति काजा का ट्रिप, जो कि मैंने पूरा सर्किट कंप्लीट किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, एडवेंचर रहा। और बस मत पूछो, आपने सारा सीरीज सारा ब्लॉग्स देखे होंगे, आपको पता चल गया होगा किस तरह का एडवेंचर रहा मेरा। बस अब मैं यहाँ पे एक दिन रुकूँगा और उसके बाद संडे को जाऊँगा अपने घर, मतलब 4 तारीख को। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग्स पसंद आए होंगे, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतनी मेहनत से आपके लिए मैंने ये ट्रैवल करके ब्लॉग्स बनाए हैं, इतना एडवेंचर किया, इतना ख़तरा इतना जोखिम उठाया, तो भाई साहब प्लीज़ ये काम तो कर दो। साथ में फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे मेरे हैंडल को सफ़र पे अंडरस्कोर ब्लॉग्स। तो चलिए लेता हूँ तब तक मैं आपसे अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ जब सफ़र पर निकलें सफ़र पर याद रखना।